अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट वकार अजीम बर्ड चैनल में वेलकम करता है। आज जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुर्गी को क्रक कैसे बिठाना है और ये कितने अंडों बाद जो है अंडे देने के बाद ये क्रक बैठती है। तो असील मुर्गी जो है तकरीबन 7 या 8 अंडे देती है, उसके बाद ये क्रक बैठ जाती है। ठीक है, अभी ये मुर्गी मैंने आपसे शेयर की थी, ये मुर्गी मैंने जोड़ा लगाया था, जिन्होंने मेरे फ्रेंड ने पुरानी वीडियो देखी होगी, मैंने दिखाई थी जब मैंने जोड़ा लगाया था। तो ये तकरीबन मैंने गिनती की, काउंटिंग की है, 7-8 अंडे दिए हैं और ये अभी क्रक बैठ गई है। ठीक है, अभी वैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में क्रक बिठाते नहीं हैं क्योंकि अंडे ख़राब ही हो जाते हैं, ऐसे चूज़े जो होते हैं उनको पालना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एज ए एक्सपीरियंस के तौर पर, फर्स्ट एक्सपीरियंस के तौर पर थोड़ा सा जो है ये अभी बैठ गई थी। मैंने कोशिश की थी कि ना बैठे, लेकिन ये बैठी थी नीचे। तो फिर मैंने क्या कि इसके नीचे अभी अंडे मैंने रख दिए हैं और ये हमेशा जब भी बिठानी है आपसे कोशिश करनी है कि ऐसी जगह जो सेफ जगह हो और जहाँ अंधेरा हो वहाँ बिठानी चाहिए, और तंग जगह पे ज़्यादा इजीली बैठती है क्योंकि जो खुली जगह होगी उसमें ये है कि इधर उधर ज़्यादा घूमती रहेगी। तो ये है कि अभी इस पिंजरे में छोटा सा पिंजरा जो है इसमें मैंने बिठा दिया है, वो इजीली इसमें दाना पानी जो है हर वक्त मौजूद होना चाहिए क्योंकि ये उठेगी तो कम अज़ कम ये भूखी ना हो, वीक ना हो। तो अभी मैंने इसके नीचे कुछ भी नहीं डाला होगा, बुरादा शुरादा थोड़ा जो घास है वो मैंने डाल दिया था क्योंकि गर्मी वैसे भी ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है मैंने वो किया था। तो ये मैं ये फ्रेंड अपनी मुर्गी को रुक बिठाना चाहते हैं, तो यही बात है, ये इसकी अलामत ये होती है कि ये जब अंडे दे देती है तो ये है कि इसकी आवाज़ चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये घूमती फिरती है, तलाश करती है अपनी जगह को कि कहीं सेफ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। तो जब आप ऐसी थोड़ी चेंजिंग देखें तो आपने क्या करना है, 1-2 अंडे जो है कहीं से ले कर वहाँ रख देने हैं। ठीक है, और सेफ जगह पे जहाँ अंधेरा हो वहाँ आपने इस मुर्गी को बिठा देनी है। फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन जो है आपको मुश्किल होगी, ये मुर्गी नहीं बैठेगी, लेकिन फिर ऐसा ऐसा जब वो सेफ्टी देखती है तो वो ये बैठ जाती है। तो जो फ्रेंड हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो वीडियो है वो उन तक पहुँचती रहे। खुदा हाफिज़।